नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद देश का हर युवा बदला और धारा 370 हटाने की मांग कर रहा है। अब बात बदले तक सीमित नहीं है, जम्मू और कश्मीर में धारा 370 हटाने की मांग को लेकर के शहरों के बाद अब गांव के लोगों ने भी इसमें प्रदर्शन और रैलियां करनी शुरू कर दी है। जी हाँ, अब देश के युवाओं के साथ साथ बच्चे भी बखूबी समझने लगे हैं कि जम्मू और कश्मीर में धारा 370 आखिर है क्या। वो ये भी बखूबी समझने लगे हैं कि हमारी अपनी कानून व्यवस्था और एक ही संविधान के रहते हुए जम्मू और कश्मीर में सब कुछ अलग कैसे चल रहा है। एकता और अखंडता के इस प्रतीक भारत में एक ही कानून में एक ही संविधान में जहाँ अलग जगह नहीं है किसी अलग धर्म के लिए, बल्कि सभी धर्मों को एक साथ चलने वाले भारत के संविधान में ये धारा 370 नासूर बन चुकी है। अब बड़ों के साथ साथ बच्चे भी ये सवाल करने लगे हैं। अब बच्चे ये पूछने लगे हैं कि हमारे देश के जवानों को पत्थर मारने वालों को विशेष रियायत क्यों दी जा रही है। इसी तरह से धारा 370 हटाने के लिए आज गाँव बकरियावाली के अंदर सैकड़ों बच्चों और युवाओं ने रोष प्रदर्शन कर रैली निकाली। आइए चलते हैं और दिखाते हैं आपको ये विशेष रिपोर्ट। ये 370 धारा किस लिए आप हटाना चाहते हैं? इसके लिए ऐसा है सर, भारत एक देश है और इसमें दो कॉन्स्टिट्यूशन होना एक बहुत ही मतलब बुरी बात है। और कश्मीर में जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत से अलग संविधान है जिसमें धारा 370 मेन उसका रूप है और 35A जो सबसे खतरनाक बात के लिए साबित हो रहा है। तो इनको हटाना इसीलिए ज़रूरी है कि जब तक कश्मीर को भारत में पूर्णतः शामिल नहीं किया जा सकता। वैसे तो भारत छाती ठोक के कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, लेकिन फिर भी उसके लिए संविधान अलग किया हुआ है। जब कश्मीर हमारा है तो उसका संविधान अलग क्यों है? संविधान एक होना चाहिए, वहाँ पे तिरंगा ही फहराना चाहिए। और जब जिस दिन ये चीज़ हो जाएगी उस दिन मेरे ख्याल से आतंकवाद और कश्मीर की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो हमारा यही मकसद है, यही सोच के हम चाहते हैं कि 370 और 35A को हटाया जाए। जी जी जरूर। जो आपने शहीद हुए जवान उनके लिए क्या कहना चाहते हो? आप सरकार के लिए क्या कहना चाहते हो? सरकार के लिए ये है सर कि हम तो उसके लिए सबसे बड़ा दोषी तो पाकिस्तान को ही मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें दोषी हमारा हमारे देश की सरकारें भी रही हैं। मैं सिर्फ मौजूदा सरकार पे कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा, इसमें आज तक जो भी सरकारें रही हैं सबकी सब दोषी हैं उसमें, और उसी उन्हीं की गलतियों की वजह से पाकिस्तान की और आतंकवादियों की ये हिम्मत होती है कि वो भारत में घुसकर हमारे जवानों को और जनता को मार देते हैं। जी धन्यवाद, शुक्रिया।